वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 10th के चैप्टर 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। क्लास 10th के चैप्टर 3 को हम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट कर लिया था। हर एक टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर की कुछ 15-20 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, इस क्लास को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिव्यू क्लास भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग माइंड मैप के जरिए पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से इस पूरे चैप्टर को समझना हो तो आप पिछली क्लासेस में जाकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, डीपली डिस्कस किया हुआ है विद पर्टिकुलर एग्जांपल्स, एकदम बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ हम लोगों ने पूरे चैप्टर को समझा है। लेकिन हाँ, इन शॉर्ट अगर आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करना तो इस क्लास के अंदर आपकी पूरी रिविजन हो जाएगी थ्रू माइंड मैप, जिसके जरिए आप पूरे चैप्टर को याद भी रख सकते हैं, ठीक है, काफी समय तक। तो इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बेस पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था सबसे पहले ये जानना कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखो, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पर तो कुछ 3 ही लिखी है, पर हम लोगों ने काफी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेटल आर लस्ट्रस। अगर मेटल्स अपने प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उनके सरफेस कैसे होते हैं, एकदम शाइनी सरफेस होते हैं। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, उनके सरफेस शाइनी होते हैं। उसी तरह से अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के सरफेस शाइनी नहीं होते हैं, है ना। ये बात याद रखिएगा, मेटल्स के सरफेस कैसे होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं, मतलब मेटल्स आर लस्ट्रस, बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव डल सरफेस, डल सरफेस होते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप देख लीजिएगा, घर में अगर आप अपनी किचन में जाते हैं वहां पर कोई बर्तन वगैरह पड़े होंगे, बर्तन को लीजिए जो मेटल से बने होते हैं, है ना। मेटल से हमारे बर्तन जो बने उसको ले लीजिए, और एक आप ले लीजिए प्लास्टिक का बर्तन या फिर कोई प्लेट वगैरह प्लास्टिक की बनी। जब आप दोनों को देखेंगे तो क्या लिखेगा आपको, जो मेटल्स है, मेटल से बना हुआ जो बर्तन होगा वो एकदम लस्ट्रस, एकदम शाइनी सरफेस होगा उसका, मतलब मेटल्स आर लस्ट्रस, बल्कि जो नॉन मेटल होगा दे हैव डल सरफेस, है ना। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है मेटल्स की। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो हमारे मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, पकड़ेंगे तो एकदम हार्ड हार्ड लगेंगे हमारे मेटल्स, ठीक है। बट ये जो हार्डनेस है डिफरेंट मेटल्स की डिपेंड करता है डिफरेंट मेटल्स पे, ओके। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है मेटल्स की, मैलेबिलिटी। व्हाट इज मैलेबिलिटी, सो मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स, एकदम पतली पतली शीट्स के अंदर हम लोग मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैलेबिलिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट कन्वर्टेड इन टू थिन शीट्स। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम उनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एंड मैक्सिमम मैलेबिलिटी मैक्सिमम किसके अंदर होती है, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर की मैलेबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम। ये चीजें याद रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स इनको मत भूलिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारे क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आए हुए हैं, अगर आप एनसीईआरटी के सेंटर की एक्सरसाइज होती है आफ्टर टॉपिक उसके अंदर देखेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल हमारे पार्ट के अंदर से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इन बातों को एकदम ध्यान से सुनिया कीजिए, क्योंकि ये जो हमारे छोटी छोटी बातें हैं ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकती है। तो हमारी जो मैक्सिमम किसकी होती है मैलेबिलिटी, गोल्ड एंड सिल्वर की मैलेबिलिटी एकदम मैक्सिमम होती है। वहीं अगर हम लोग अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, एकदम पतली पतली वायर्स के अंदर हम लोग मेटल्स को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स को थिन थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी है। सो डक्टिलिटी मैक्सिमम किसके अंदर होती है, गोल्ड के अंदर मैक्सिमम डक्टिलिटी होती है। अगर हम लोग 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ले लें, ठीक है, 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ले लें, उतनी लंबी हम लोगों को गोल्ड की वायर बनानी है, तो गैस कीजिए कितने गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, ऑफकोर्स बहुत ज्यादा, है ना,
नहीं, 1 ग्राम गोल्ड के अंदर 2 किलोमीटर डिस्टेंस जितनी लंबी वायर बना सकते हैं। तो देखिए कितनी ज्यादा डक्टिलिटी होगी हमारे गोल्ड की। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं और ये हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अगर हमारे सबसे अच्छे कंडक्टर कौन से होते हैं, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स। बेस्ट कंडक्टर्स कौन से होंगे, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर, ओके। तो ये देखो छोटे छोटे कितने पॉइंट्स हमारे आगे इनकी प्रॉपर्टीज के बीच में ही, ये बातों को हमेशा याद रखिए ध्यान से। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स को कभी एकदम हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करके देखिए। अगर हम लोग मेटल्स को हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो मेटल्स एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। कैसी साउंड, रिंगिंग साउंड, मतलब कि मेटल्स के अंदर सोनरस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वहीं आप मेटल्स को रिंग करके ऐसे करके स्ट्राइक करके देखिए और नॉन मेटल को स्ट्राइक करके देखिए, जो हमारे मेटल्स होंगे उससे टन इस तरह की आवाज आएगी, रिंगिंग साउंड। लेकिन हमारे नॉन मेटल में से ऐसी कोई आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है मेटल्स की। अब देखो अगर हम लोग मेटल्स की या नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, मतलब इसके जस्ट अपोजिट थी, मैलेबिलिटी मेटल्स में या नॉन मेटल्स में नहीं है, डक्टिलिटी मेटल्स में या नॉन मेटल्स में नहीं है, कंडक्टिविटी मेटल्स के अंदर है नॉन मेटल्स के अंदर नहीं है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट होती है इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल्स के अंदर देखें और मेटल के अंदर प्रॉपर्टी को कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी इन दोनों के केस में। जैसे हम लोग नॉन मेटल्स को देख लेते हैं, मेटलिक लस्टर, मैंने क्या कहा था अभी, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। मेटल्स जो है एकदम शाइनी सरफेस होते हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के नहीं होते। बट यहां पर आकर पंगा हो गया, नॉन मेटल्स आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर, आयोडीन एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो नॉन मेटल, लेकिन इनको छोड़कर सभी मेटल्स के सरफेस, नॉन मेटल के सरफेस डल होते हैं। लेकिन जो हमारा आयोडीन एंड ग्रेफाइट है उनके सरफेस कैसे होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी तो हम लोगों ने देख ली थी कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं हमारे नॉन मेटल्स, ओके। तो अब देखो क्या क्या एक्सेप्शंस आई हम लोगों ने इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जब मेटल्स की देखी, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि सभी मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर पर हार्ड रहते हैं। मेटल्स जब रूम टेम्परेचर पर होंगे हार्ड होंगे, लेकिन भाई मरकरी, मरकरी इज ऑल्सो मेटल, मरकरी भी तो मेटल है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर कैसे फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, मोल्टन स्टेट। मरकरी रूम टेम्परेचर पर मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट रहता है। वहीं पे हमारे जो मेटल्स होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होते हैं। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन अगर हम लोग गैलियम एंड सीजियम की बात करें तो गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर अपनी हथेली के ऊपर इसको रखेंगे, पाम के ऊपर रखेंगे, तो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मतलब यहां पर भी आकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। अब उसके बाद देख लो, हमने इसकी तो बात कर ली, लास्ट्रस की तो बात करी है ना, उसके बाद कुछ हमारे आ जाते हैं अल्कली मेटल्स, जैसे लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आ गए। अल्कली मेटल्स कौन कौन से हो गए, लिथियम सोडियम पोटेशियम आ गए। ये जो हमारे हमने क्या पढ़ा, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन अब अल्कली मेटल्स जो है हमारे, ये जिनको हम लोग जब नाइफ के साथ कट करेंगे ना तो इजिली कट हो जाएंगे। अब यहां पर भी प्रॉब्लम आ गई, अब इसको मेटल बोले कि नॉन मेटल बोले, प्रॉपर्टी मेटल की शो ही नहीं कर रहे। मतलब कि यहां पर आकर क्लियर हो जाता है कि हम लोग मेटल इलेमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। यहां तक क्लियर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग मेटल्स को एंड नॉन मेटल्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इलेमेंट्स को, ठीक है। अब हमको क्या देखना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी हमको इलेमेंट्स की, ओके, सॉरी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। तो हम लोग अगर मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद द एयर। अगर मेटल्स को एयर के अंदर बर्न किया जाएगा तो क्या होगा, मेटल्स को जब हम लोग एयर के अंदर बर्न करेंगे तो क्या होगा। देखो जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, जब इसको एयर के अंदर बर्न करते हैं तो ये क्या करते हैं, मतलब एयर के अंदर जब ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे मेटल्स जो होते हैं ना, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बन जाते हैं क्या, मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। अब हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर व्हाट, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म कर देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। जब हमारे मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात की थी हमने, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मतलब कि वो एसिडिक बिहेव भी करते हैं और बेसिक बिहेव भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट भी करे, बेसिस के साथ रिएक्ट भी करे टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या कह दिया जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या कह दिया जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह दिया जाएगा। अब हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर क्या बना देते हैं, अल्कली की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो था हमारा मेटल्स रिएक्शन विद एयर। अब हम लोग देख लेते हैं मेटल की रिएक्शन विद वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है हमारी, उसी के साथ साथ क्या करेगी, होगा हाइड्रोजन गैस हमें ऑब्टेन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, मेटल ऑक्साइड्स मिला है और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस मिली है। अब देखो जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स है ना, जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर क्या बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? रिएक्शन विद वाटर, मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलेगी। और हमारे जो मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर सोल्यूबल हो गए वो क्या करेंगे, वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेटल की रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल्स जो कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या हमारे पास एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। देखो जब हमारे जो मेटल्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, सॉरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जब ये एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एक तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब देखो अगर हमारे मेटल्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब तो हाइड्रोजन गैस हमें सॉल्ट के साथ मिलेगी। लेकिन इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, हमारा जो नाइट्रिक एसिड होगा चुनो थ्री, उसके केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, उस हाइड्रोजन गैस को हमारा जो नाइट्रिक एसिड है क्या कर देगा, बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। मतलब कि हमारे जो नाइट्रिक एसिड है इसके केस में ऐसा नहीं होगा, जब इसके साथ हमारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, ओके। अब इसकी एग्जांपल्स लेके हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस किया है, लेकिन अभी हम लोग इन शॉर्ट पढ़ेंगे ऊपर से। उसके बाद देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। दूसरे मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसके साथ मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। तो देखो अगर हमारे जो सॉल्यूशन है हमारे मेटल का, उसके अंदर मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो मेटल होगा अगर वो कम रिएक्टिव होगा दूसरे मेटल से, मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एक मेटल है ए, दूसरा मेटल है बी, बी क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर है, और ए जब ए अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा ना तो ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा, ए बी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। ये होगा जब मेटल रिएक्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साथ। तो जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहां पर क्या देखते हैं हम लोग, कॉपर जो है वो हमारे सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर। अब देखो हमारा कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए उसको रिप्लेस कर पा रहा है, ओके। तो अब हम लोग देख लेंगे कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी, है ना, मेटल्स की कुछ रिएक्टिविटी देख लेंगे, उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये हमारी मेटल की रिएक्टिविटी है, ठीक है, ऑर्डर है पूरी रिएक्टिविटी के हिसाब से लिखा हुआ है। देखो हम लोग जब टॉप में देखते हैं ना,
अगर हमको हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे तो हम अगर टॉप में देखेंगे तो हमारा जो पोटेशियम है, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। पोटेशियम, पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और वही हमारे गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम होती है, ठीक है। और इस पूरी जो रिएक्टिविटी है पूरे मेटल्स की, इसको क्या कह दिया जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज कह दिया जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज होगी जिसके अंदर टॉप पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे और बॉटम में मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। और सेंटर में ऐसे मेटल्स होंगे जिनकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स सेंटर में प्लेस होंगे। तो ये कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी हमारी, ठीक है। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की देख लेते हैं। अब देखो, अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी ऑक्साइड्स बनाएंगे, लेकिन इनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। इनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक नेचर या फिर न्यूट्रल नेचर के होंगे। हमारे सॉरी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर के होंगे या फिर न्यूट्रल नेचर के होंगे। अगर हम लोग बात कर ले फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट आयन, तो जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे दूसरे नॉन मेटल के साथ तो एक कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जब हमारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे दूसरे नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे दूसरे नॉन मेटल के साथ तो एक कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इस पूरे को डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल। क्या होगा जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे? देखो, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है, ठीक है। जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होती है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बने, उनको क्या कह दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है आयंस और कोवेलेंट कंपाउंड। या तो आयंस बोल देंगे या फिर कोवेलेंट कंपाउंड बोल देंगे। सो व्हाट आर आयंस? आयंस क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटल एंड नॉन मेटल के रिएक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है। क्यों बनती है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल एटम टू अ नॉन मेटल एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या हो जाता है हमारा आयनिक बॉन्ड? जब हमारे मेटल के अंदर और नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कंप्लीटली, तब फॉर्मेशन हो जाती है आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। अब इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें ना, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक साथ जुड़े हुए हैं भाई, तो उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी ना, उसी की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। एंड इवन दे आर ऑल्सो ब्रिटल, ठीक है, ये ब्रिटल भी होते हैं। वाई? अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ना तो ये ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करने पे ये टूट जाएंगे। और उसी के साथ साथ इनकी जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, ये हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई चाहिए इनका। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दे आर सोल्यूबल इन वॉटर, वॉटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। थर्ड इज दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। जब ये एक्वस सोल्यूशन में और जो मोल्टन स्टेट में होगी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती बिकॉज वहां पर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, है ना। तो आयंस, फ्री आयंस की प्रेजेंस की वजह से ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेटल की अक्रेंस, मेटल की अक्रेंस कैसे होती है, हमने ये भी डिस्कस किया था। हमने क्या देखा था, जो अर्थ क्रस्ट है ये मेजर सोर्स होता है मेटल्स की। मेटल्स के मेजर सोर्स कौन से होते हैं? अर्थ क्रस्ट। वैसे हमें कुछ सॉल्ट जो है सी वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये सब हमें सी वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाते हैं। तो ऐसे मेटल्स एंड कंपाउंड जो कि हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें क्या कह दिया जाता है? दे आर कॉल्ड मिनरल्स। इन्हें क्या कह दिया जाता है? मिनरल्स कह दिया जाता है। और इन्हीं मिनरल्स में से हमें मेटल जो है काफी ज्यादा मेटल्स मिलते हैं, उन्हें क्या कह दिया जाता है? दे आर कॉल्ड ओर्स, ओर्स कह दिया जाता है। अब हमारी आ जाएगी मेटल की एक्सट्रैक्शन, किस तरह से मेटल हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ये बात आ जाती है। तो सबसे पहले तो मेटलर्जी, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, मेटल की ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, इसी को कह दिया जाता है मेटलर्जी, ओके। उसके बाद मिनरल्स, अभी हम लोगों ने देखा था क्या था मिनरल्स, कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच मेटल अकर्स नेचुरली आर कॉल्ड मिनरल्स। मेटल्स जब नेचुरली अकर होंगे उसी को कह दिया जाएगा मिनरल्स। मिनरल्स की फॉर्म में नेचुरली मेटल्स अकर होते हैं।
उसके बाद ओर्स एंड गैंगियस क्या है, ओर्स क्या थे, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड द ओर्स, जिसमें से मेटल्स को निकाला जाएगा उसी को कह दिया जाएगा ओर्स, जिन मिनरल्स में से मेटल हमें मिल जाएगा उसी को कह दिया जाएगा ओर्स। एंड गैंगियस क्या होंगे, उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद देम आर कॉल्ड गैंगियस, उनके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी उन्हें कह दिया जाएगा गैंगियस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग ओर्स में से मेटल को फाइंड करते हैं। ठीक है, ओर्स में से किस तरह से हम लोग मेटल्स को फाइंड करते हैं, देखो स्टेप्स है हमारे पास। अब ये हम लोग किस तरह से मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो मेटल्स हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर होंगे ना, जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर मेटल्स होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे। ठीक है, और जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे मेटल्स होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और जो सेंटर में होंगे क्या होंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होंगे। अब उन्हीं के बेस पे हम लोग जो है मेटल को ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। देखो जो मेटल्स की रिएक्टिविटी लो है एक्टिविटी सीरीज में, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी लो है उनको सिंपली हीटिंग पर ही हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, हीटिंग भी हमें वो मिल जाएंगे, जैसे हम लोग मरकरी की ओर ले लेते हैं सिनेबार। ठीक है, HGS क्या होती है, मरकरी की ओर HGS सिनेबार। इसमें से किस तरह से हम लोग मेटल मरकरी मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, देखो जो हमारे HGS है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हीट करेंगे, हीट करने पर हमें क्या बन जाएगा, मरकरी ऑक्साइड मिल जाएगा। अब मरकरी ऑक्साइड को रिड्यूस कर लिया जाएगा और हमें मरकरी मेटल मिल जाएगा, और मरकरी मेटल से हमें प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे रिफाइन कर लेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों को जो है लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। सल्फाइड ओर को रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने पर मेटल मिलेंगे, मेटल्स को रिफाइनिंग कर ली जाएगी और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। अब ऐसे मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में होते हैं, ऐसे मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में होते हैं उनकी मॉडरेटली रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। अब इनके अंदर देखो ये नेचर में हमें किस फॉर्म में मिलती है, ये नेचर में हमें सल्फाइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे, कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे। अब जो हमारे सल्फाइड ओर है, देखो हमने ये देखा कि जो ऑक्साइड्स है ना, ऑक्साइड्स में से मेटल इजिली मिल जाते हैं एज कम्पेरिजन टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सल्फाइड एंड कार्बोनेट को कन्वर्ट किया जाएगा ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो सल्फाइड ओर को हम लोग मेटल ऑक्साइड के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, सल्फाइड ओर को स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के अंदर इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, मेटल्स मिल जाएंगे, मेटल ऑक्साइड मिल जाएंगे, और इस प्रोसेस को कह दिया जाएगा रोस्टिंग। ठीक है, अगर हम कार्बोनेट ओर को कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड्स को ऑब्टेन करेंगे तो किस फॉर्म से मिलता है हमें, कार्बोनेट ओर जो है इनको भी हम लोग स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे बट इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। बट इस प्रोसेस को कह दिया जाएगा कैल्सिनेशन। अब इनसे हमें क्या मिले हैं, मेटल के ऑक्साइड्स मिल गए हैं, इनको क्या किया जाएगा, रिडक्शन की जाएगी, रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, मैटर्स के अंदर रिड्यूस किया जाएगा और उसके बाद उन मैटर्स को प्योरीफाई किया जाएगा। ठीक है, उन मैटर्स को फर्दर प्योरीफाई किया जाएगा और हमको मिल जाएंगे क्या, मेटल, प्योर मेटल मिल जाएगा। देन देख लेते हैं मैटर्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत हाई पे है, ऐसे मैटर जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम हाई टॉप पर होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसे मैटर्स को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके नहीं रिड्यूस कर सकते। ठीक है, ऐसे मेटल्स को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे फिर उसके बाद हमें प्योर मेटल मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हमें एकदम मेटल मिल गए। अब वो मेटल जो हमें मिले हैं उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और इन इम्प्योरिटीज को हम लोग रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक की हेल्प से हम लोग इसको जो है ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यही हो जाता है हमारा पूरा चैप्टर। इसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट कोरोजन। तो कोरोजन क्या था, रस्टिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रस्टिंग हो जाना उसको कोरोजन कह दिया जाता है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, पेंटिंग हो गई, गैल्वनाइजेशन हो गया, ऑयलिंग हो गई, जिससे हम लोग मेटल्स और मॉइस्चर के बीच का कॉन्टेक्ट कट कर दें, उसी से हम लोग जो है कोरोजन को रोक सकते हैं। तो बाकी पूरा चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है, माइंड मैप के जरिए हम लोगों ने जल्दी से पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। बाकी ये वाली क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।